नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है एमएलसी पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, अलग अलग कौन सी तरह की इंजरीज होती हैं, कैसे कैसे कॉज होती हैं, कौन से वेपन से कॉज होती हैं। देखिए, एमएलसी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि उसके बेस पे बहुत सारा आपका क्रॉस एग्जामिनेशन डिपेंड करता है। कई बार डॉक्टर्स भी आते हैं एमएलसी प्रूव करने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रूव करने, उनको भी आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है, तो आपको इसके कंटेंट्स पता होने चाहिए और ये पढ़नी जरूर आनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे कि लैसिरेटेड वुंड, ब्लंट कॉज बाय ब्लंट वेपन, एलेज हिस्ट्री ऑफ, बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि एक आम आदमी को समझने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं वो उन सारी चीजों को आज अपने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सपर्ट जो विटनेसेस होते हैं, जिसे हम एक्सपर्ट एविडेंस कहते हैं, वो बहुत तरह के होते हैं विटनेसेस। कई बार जैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आते हैं कोर्ट के अंदर, बैलिस्टिक एक्सपर्ट आते हैं जो कि गनशॉट इंजरी वगैरह के अंदर जो बताते हैं, और इसके अलावा डॉक्टर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे विटनेसेस होते हैं जो एक्सपर्ट विटनेसेस होते हैं। लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट विटनेस होते हैं, उनकी जो मेडिकल एविडेंस होती है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होती है, बहुत सिविल केसेस के अंदर भी और क्रिमिनल केसेस के अंदर के लिए, और कई बार तो उसी की एविडेंस जो मेडिकल एविडेंस होता है उसके बेस पर भी कन्विक्शन हो जाती है। हालांकि और बहुत सारी चीजें सपोर्ट में चाहिए होती हैं, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस होता है। अब आप ये देखें, जो डॉक्टर कभी कोर्ट के अंदर आके अपना एविडेंस देता है, अपने आप को एग्जामिनेशन इन चीफ करवाता है और उसके बाद क्रॉस एग्जामिन कराता है, तो आप ये देखिए उसका पहला क्रॉस एग्जामिनेशन हो या एग्जामिनेशन ऑफ इन चीफ हो, ये बहुत कम चांस है। ज्यादा चांस ये है कि अपनी लाइफ के अंदर उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दी हो कोर्ट के अंदर, बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रूव करी हो, बहुत सारी जो एविडेंस होती हैं, मतलब महीने में आप समझ लें कि हो सकता है 8-8, 10-10 बार भी उन्होंने गवाही दी हो, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो आपको एमएलसी पता होनी चाहिए, काइंड ऑफ इंजरी पता होनी चाहिए, अगर डेथ केस है तो उसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता होनी चाहिए, किस वेपन से कॉज की गई है, इंजरी बाय फॉल है, बाय मतलब कैसे हो सकती है, मैनर ऑफ इंजरी, ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस डॉक्टर को इफेक्टिवली क्रॉस एग्जामिन कर पाएंगे। और इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि नेचर ऑफ इंजरी क्या थी, वेपन कौन सा यूज हुआ, केस प्रॉपर्टी क्या थी, जो है इंजरी जो है केस प्रॉपर्टी से कॉरस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं, टाइम ऑफ डेथ कैसा था, जब वो बॉडी एग्जामिन करी गई तो उस बॉडी की कंडीशन कैसी थी, वो डिकेड थी या फ्रेश थी, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। ये भी चीजें हमें बहुत सारी एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलती हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं एमएलसी क्या होता है। मैं यहां आपको, मेरे पास एक एमएलसी पड़ी थी, उसके अंदर मैंने जिस इंसान की एमएलसी थी उनका और उनके फादर का नाम मैंने रिमूव करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके एमएलसी बेसिकली होती क्या। आइए देखें सबसे पहले एमएलसी क्या है। ये एमएलसी का फ्रंट पोर्शन है, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें सारा क्या क्या लिखा होता है, एक आइडिया हो जाएगा आपको। ये एमएलसी का बैक पोर्शन है, हालांकि इस पर फ्रंट पोर्शन वाली चीजें भी लिखी हुई हैं, लेकिन ये बैक पोर्शन है, देखें इस पर स्केलेटन बॉडी के बने होते हैं। तो ये एक एक्चुअल एमएलसी थी, ये मैंने एक ओरिजिनल फाइल थी मेरे पास पड़ी थी, उसके अंदर से मैंने जो जिसकी एमएलसी थी उसका नाम डिलीट करके, उसका नाम मतलब ब्लर करके और उनके फादर का नाम ब्लर करके मैंने, क्योंकि क्लाइंट प्राइवेसी भी एक चीज होती है, तो मैंने ये आपको एमएलसी दिखाई। ऐसी ही एमएलसी होती है, कभी भी आप फाइल को खोलेंगे और आपको एमएलसी पढ़नी होती है तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि एमएलसी होती क्या है बेसिकली। अब आपको दिखाता हूं कि एमएलसी के बेसिक कंटेंट्स होते क्या है। एमएलसी के अंदर पेशेंट का नाम, फादर नेम, एज, सेक्स, कौन लेके आया, एड्रेस, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एमएलसी नंबर, डेट एंड आवर ऑफ अराइवल, नेम ऑफ पुलिस पर्सनल एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ डॉक्टर। प्रोसीडिंग ऑफ डॉक्टर में अलेज हिस्ट्री लिखी होती है कि असॉल्ट है, क्या है, पेशेंट कॉन्शियस था या अनकॉन्शियस था, पल्स कितनी थी, बीपी थी, वॉमिटिंग कर रहा था, नहीं कर रहा था, ईसीजी वगैरह बताया होता है। इसके अलावा इंजरी ऑन ओरल एग्जामिनेशन पे बताया जाता है नेचर ऑफ इंजरी कैसी है, सिंपल थी या ग्रीवियस थी, या आदमी मरा हुआ लाया गया, काइंड ऑफ वेपन कौन सा यूज किया गया। बैक साइड पे एक प्रॉपर ह्यूमन स्केलेटन बना होता है जिससे मार्क, जिसके ऊपर मार्क बने होते हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंजरी बताने के लिए कि किस पॉइंट पे इंजरी कॉज हुई थी। तो ये कुछ कंटेंट्स होते हैं एमएलसी के।
अब बात करते हैं कि वुंड्स कौन कौन से तरह के होते हैं, क्योंकि वो जरूर पता होने चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इंजरी हुई क्या। आइए आपको दिखाता हूँ कौन कौन से तरह के वुंड्स होते हैं। लैसिनेटेड वुंड, इंसाइज्ड वुंड, ब्रूजेस और कंट्यूजन्स, बर्न इंजरी, बर्न बाय फायर, एसिड, गनशॉट इंजरी या फ्रैक्चर वगैरह। अब बात करते हैं तरह तरह की इंजरीज की। इंजरीज कौन कौन सी तरह की होती हैं? देखिए, मैं आपको ओरिजिनल इमेजेस डाउनलोड करके दिखा सकता था इंटरनेट से, लेकिन वो दिखाना मैंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ब्लड वगैरह वाली पिक्चरें दिखाना मैं ठीक नहीं समझता। वो आप चाहें तो आप इंजरीज की फोटोग्राफ्स जो है नेट से देख सकते हैं कि अलग अलग इंजरीज के लिए कौन कौन से वुंड्स होते हैं और वो कैसे कैसे कॉज होते हैं, उनकी इमेजेस से आपको समझ आ जाएगा बेसिकली। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला जो वुंड होता है वो होता है लैसिरेटेड वुंड। लैसिरेटेड वुंड हमेशा कॉज होता है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट स्किन के ऊपर हिट किया तो उससे मांस का फट जाना या स्किन का टूट जाना, तो ये जो होता है लैसिरेटेड वुंड होता है। दूसरा वुंड होता है इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड हमेशा होता है स्टैबिंग से कॉज होता है, या किसी शार्प एज्ड वेपन से कट जो होता है उसे इंसाइज वुंड कहते हैं। वो कट जो है शैलो भी हो सकता है और डीप भी हो सकता है, ये दोनों तरह के वुंड हो सकते हैं। इसके अलावा होते हैं ब्रूजेज और कॉन्ट्यूजन्स। ब्रूजेज का मतलब आसान भाषा में एक समझ ले कि सिंपल इंजरीज जो होती हैं, या कि जिससे कि लाल निशान पड़ जाना, जैसे कि अगर किसी को कोई बॉल मारेगा जोर से या बैट मारेगा या विपिंग करेगा स्टोन से मारेगा, तो अगर स्किन पे कहीं पे लाल निशान पड़ गया जो कि उम्र टाइम से नीला हो जाए तो उसे ब्रूजेज या कंट्यूजन्स भी कहते हैं। इसके अलावा बर्न इंजरी हो सकती है, बर्न बाय फायर होता है, बर्न बाय एसिड होता है, गन शॉट इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत सारी चीजें मेंशन करी होती हैं एमएससी के अंदर भी, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा परमानेंट डिसफिगरेशन हो सकती है, बॉडी का कोई पार्ट जो है कट हो सकता है, ये सारी चीजें मेंशनड होती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए थी, तभी आप देख पाएंगे कि किसी वेपन से जो अगर सपोजिंगली किसी ने अलेज किया कि मेरे को इसने मुक्का मारा और या मेरे को इसने उठा के पत्थर मार दिया, उससे इंसाइज्ड वुंड हो जाए कि डीप कट पड़ जाए, ये बड़ा कम चांस है। तो इंजरी कॉरस्पॉन्ड भी करे जो कि वेपन अलेज्ड वेपन ऑफ ऑफेंस है उससे, इसलिए जो कि जैसे किसी ने स्टेटमेंट दी कि मेरे को इसने जोर के मुक्का मार दिया या मेरे को जोर के उठा के पत्थर मार दिया, ईंट मार दी, अब वो है ब्लंट वेपन, अब वो कट कॉज कर नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है कि उससे कट कॉज हो जाए डीप कट चाकू की तरह, तो आपका वेपन और जो आपकी जो मेडिकल एविडेंस है वो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, तो इसलिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कंपेयर होनी चाहिए, पूरी फाइल आपने पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा एमएलसी के बैक साइड में पूरी बॉडी का एक स्केलेटन टाइप बना होता है जिससे मार्क कर सकते हैं उस पोर्शन पे कि किस पोर्शन पे इंजरी है, हेड पे इंजरी है, स्टमक पे इंजरी है, थाई पे इंजरी है, पैर पे इंजरी है, वो सारा आप आइडेंटिफाई इजिली हो सकता है, उस पर वो निशान बना देते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंजरी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन होती है वो पता चलता है कि ड्यूरेशन ऑफ इंजरी कैसे है, कलर ऑफ इंजरी भी उसके अंदर पता चलता है कि भाई पुरानी है ताजी है, ये उससे पता चल जाता है एमएलसी से। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए बता रखे होते हैं कि जो आया था ये आदमी इस पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क था, जैसे कि मस्सा था या टैटू बना हुआ था, स्किन पे कुछ निशान बना हुआ था, तो वो सारी चीज भी मेंशन करी गई होती है। इसके अलावा साइज ऑफ इंजरी भी मेंशन करी जाती है पोस्टमार्टम के अंदर हो गया या एमएलसी हो गया उसके अंदर कि कितनी डीप थी इंजरी और कितनी लेंथ थी और कितनी ब्रेथ थी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सारी चीज भी हमें पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है डेथ केस के अंदर, क्योंकि इससे ये पता चलता है डेथ जो है नेचुरल थी, अननेचुरल थी, सुसाइडल थी, एक्सीडेंटल थी, कैसी थी, ये भी हमें इससे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है इससे पता चलता है। बेसिकली इसके अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है इसमें दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पे एग्जामिनेशन और एक इंटरनल एग्जामिनेशन। इसके अलावा एक कॉरस्पॉन्डिंग और चीजें भी लिखी होती हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हो, अलग से भी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई कपड़े हैं उस पे उनको सीज किया है, तो अगर देखिए किसी ने गनशॉट इंजरी करी, किसी ने शर्ट डाली हुई थी, तो अगर छाती के अंदर गोली जाएगी तो कॉरस्पॉन्डिंग वो कट जो है वो छेद वो शर्ट के अंदर भी होगा। अगर वो शर्ट के अंदर छेद नहीं है तो फिर वो कपड़े उस आदमी के नहीं हो सकते। अगर स्टैबिंग है तो स्टैबिंग में भी कपड़ों का फटा होना चाहिए। ये सारी चीजें भी आपने ध्यान से देखनी है, ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लड स्टेन्स थे कि नहीं थे, किसी कुछ और किसी के हेयर थे,
मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो अलग से भी होती हैं, उन सारी चीजों का भी आपका पता होना चाहिए। अब एक्सटर्नल इंजरीज में वो कंडीशन ऑफ बॉडी बताते हैं कि भाई आई थी तो डिकेड थी। अब डिकेड थी तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिल सकता है कि प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन शायद उस तरह से नहीं हो सका होगा, तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर डिकम्पोज नहीं है बॉडी, तो उस पे कैसे कैसे एग्जामिनेशन करा उन्होंने, क्या क्या निशान बने हुए थे बॉडी के ऊपर, कितने कट्स थे, कैसे डीप कट था, कौन से ऑब्जेक्ट से कॉज करी गई है, कौन से वेपन से कॉज करी गई है, ब्लंट वेपन से कॉज करी गई है, शार्प एज वेपन से कॉज करी गई है, फायर से कॉज करी गई है, एसिड से कॉज करी गई है, छत से फेंक देने से कॉज करी गई है, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंजरी फ्रंट पे है, बैक पे है, ये सारी चीजें भी उससे पता चलती है। इंटरनल एग्जामिनेशन उसके बाद होता है, बॉडी को काट पीट के उसका एग्जामिनेशन करते हैं वो, उसको क्या करते हैं, उससे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है विसरा रिपोर्ट। विसरा जो होता है इंटेस्टाइन का एक थोड़ा सा पार्ट होता है, पोर्शन, उसको कट कर लेते हैं देखने के लिए कि डेथ बाय पॉइजनिंग तो नहीं है। तो ये विसरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी विसरा रिपोर्ट भी आती है, उसके अंदर बेसिकली पता चलता है कि डेथ बाय पॉइजनिंग है या नहीं है। तो इसके अलावा और इंटरनल एग्जामिनेशन से पता चलता है कि हेमरेज कहाँ पे है, कोई अगर इंजरी बाय शॉक है, डेथ बाय शॉक है, अगर सपोजिंगली किसी की डेथ हो गई है, बाहर कोई इंजरी नहीं है, तो अंदर से पता चलता है कि डेथ बाय शॉक हुई है, इस शॉक की वजह से डेथ हुई है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमएलसी और हमेशा एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर डेथ केस है तो दोनों आपने जरूर पढ़नी है, जरूर देखनी है, तभी आप इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाओगे। डॉक्टर को कैसे क्रॉस एग्जामिन करते हैं ये भी एक आर्ट है, ये भी एक तरीका है। अगर मैंने इसका वीडियो अभी कंटिन्यू करा के मैंने बताया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए। बट आज का वीडियो मेरा इतना ही था, आपका मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।